हेलो दोस्तों, मैं हेमंत पवार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो गाइज, आज की वीडियो बनाने के पीछे एक छोटा सा रीजन ये है कि मेरे को आप सब लोगों तक एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। क्या है वो इन्फॉर्मेशन जानते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, होंडा कार इंडिया लिमिटेड ने 23 दिसंबर 2020 को अनाउंस किया कि उनकी दो गाड़ियों का प्रोडक्शन अब डिसकंटिन्यू हो गया है, जो कि होंडा CR-V और होंडा सिविक। इसी के साथ ऑटोमेकर्स ने अपना मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन और ग्रेटर नोएडा प्लांट का भी क्लोजर फॉर्मली अनाउंस किया है। दोस्तों, कंपनी का कहना है कि अपनी सस्टेनेबिलिटी ऑफ ऑपरेशन मेंटेन करने के लिए इन दोनों कार्स की सप्लाई चेन और प्रोडक्शन उन्हें रोकनी पड़ी। दोस्तों, सस्टेनेबिलिटी ऑफ ऑपरेशन का मतलब होता है कंपनी के प्रोडक्शन में नेचुरल रिसोर्सेज पे ज़्यादा डिपेंड होना, ना कि अपने आर्टिफिशियल रिसोर्सेज पे। तो कहीं ना कहीं इन दोनों कार्स के प्रोडक्शन में कंपनी अपने आर्टिफिशियल रिसोर्सेज पे ज़्यादा डिपेंड हो रही थी, इसलिए टपुकोर राजस्थान में जहाँ पे मैन्युफैक्चर होते थे इनके स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स, वहाँ की सेल्स और एक्सपोर्ट को भी इमीडिएट इफेक्ट के साथ बंद करने का ऑर्डर दे दिया है। तो यहाँ मेरा क्वेश्चन है सभी होंडा लवर्स से, कैसा लगा होंडा का ये डिसीजन, जाके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इस वीडियो को जितना हो सके करें शेयर और लाइक। मिलते हैं ऐसी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।